संजू सैमसन का आईपीएल 2023 का प्रदर्शन लेके जा रहा है उनको भारतीय टीम के दरवाजों से बहुत दूर। संजू सैमसन हम सबके चहीते संजू सैमसन भाई इंडियन टीम से काफी समय से दूर चल रहे हैं और कहीं ना कहीं जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब इनका स्क्वाड अनाउंस हुआ था वहां पर इनका नाम नहीं था, तब से फैंस के मन में एक गुस्सा है, आक्रोश है कि भाई संजू सैमसन को वनडे टीम से या फिर किसी भी फॉर्मेट से दूर क्यों किया जा रहा है। आईपीएल 2023 में जब शुरू हुआ तो संजू सैमसन के लिए काफी ज्यादा उम्मीद है कि भाई यहां पर संजू सैमसन अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे और कहीं ना कहीं एक बार फिर भारतीय सिलेक्टर्स को मजबूर करेंगे कि भाई मेरे को टीम में वापसी की जाए, मेरे को मेरी टीम में एज ए मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज वापसी जल्द से जल्द हो। लेकिन संजू सैमसन का आईपीएल 2023 में प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। संजू सैमसन ने इस आईपीएल में दो डक है, दो सिंगल डिजिट स्कोर और आज के मुकाबले में वो 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। संजू सैमसन से काफी ज्यादा उम्मीदें की जाती है कि भाई जब जब ये बंदा मैदान पर आएगा कहीं ना कहीं गेम को दूर लेके जाएगा, लंबा लेके जाएगा और एक कप्तानी पारी खेलेगा। इतने समय से ये अपनी राजस्थान की टीम को लीड कर रहा है और कहीं ना कहीं जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली बात होती है संजू सैमसन हमेशा इस चीज से चूक जाते हैं। संजू सैमसन की और बात करें तो भाई संजू सैमसन काफी लंबे समय से आईपीएल खेल भी रहे हैं, आप राजस्थान रॉयल्स को लीड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका कभी भी नाम ऑरेंज कैप की लिस्ट में नहीं होता। हम सब चाहेंगे भाई संजू सैमसन जल्द से जल्द फायर करे और इंडियन टीम के दरवाजे खटखटाए कि भारतीय टीम को जरूरत है एक सॉलिड मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की। वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप में अगर यहाँ पर संजू सैमसन अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो हेर फेर में उनका इंडियन टीम में सिलेक्शन लगभग पक्का हो जाएगा। बात करें नंबर 4 की पोजीशन की, भाई श्रेयस अय्यर इंजर्ड है, सूर्य कुमार यादव उनका कुछ खास प्रदर्शन नहीं चल रहा है मुंबई इंडियंस के लिए, वो भी आप आ रहे हैं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर इसी बीच संजू सैमसन जैसा मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज अगर भारतीय टीम को मिल जाता तो भारतीय टीम के बारे न्यारे हो जाएगी। खुद संजू सैमसन जो वर्ल्ड कप के लिए अपनी बड़ी दावेदारी पेश कर सकते हैं, उससे पहले वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम के दो बड़े असाइनमेंट है यानी कि एशिया कप और उसके अगले साल होने वाला T20 वर्ल्ड कप। तो यहाँ पर अगर संजू सैमसन अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो भाई ऋषभ पंत भी नहीं है, संजू सैमसन बतौर अपनी पक्के विकेट कीपर बल्लेबाज टीम में जल्द से जल्द अपनी जगह पक्की कर लेंगे। आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, साथ के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।